વિદેશમાં બસ્યા રાજસ્થાનના લોક આપરા વ્યવસાય સાથે સાથે સમાજ સેવાઓની પૂરી લગન અર તન મન ધનો જોડ્યા હે. આશાઈ એક પ્રવાસી રાજસ્થાની હે સંપત પોદાર જો કનાડામાં બસ્યા હે. મેં સંપત પોદાર ઓરિજિનલી સીકર ડિસ્ટ્રિક્ટ મેં ગામ હે કાવટ વહાં કે રહેને વાલે હે ઓર કેનેડા મેં પિછલે 30-35 સાલ સે હે. 1978 મેં હમ લોગ યહાં આ ગયે થે. मेरे बड़े भाई भी पहले यहाँ रहते थे तो उनकी सानिध्य में काफ़ी टाइम निकला शुरू में. मेन मकसद शुरू में आने का तो पढ़ाई का और पढ़ाई के बाद बिजनेस में आने का था. तो शुरू में 3 साल मैंने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करी. क्वींस यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है किंगस्टन में ओंटेरियो में. तो वहाँ से मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में. उसके बाद में मैकमास्टर से मैंने एमबीए किया और फिर उसके बाद मैं अल्बर्टा गवर्नमेंट में एज ए टैक्स एडवाइजर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से चला गया था. वहाँ 6 साल काम किया. वहाँ मैंने रहते हुए CFA यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर डिग्री है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की वो डिग्री करी. उसके तुरंत बाद में फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया था वॉल स्ट्रीट में काम करने के लिए. वहाँ फिर वॉल स्ट्रीट में नहीं काम करके जेमस्टोन बिजनेस में घुस गए. हमारे परिवार के कुछ लोग थे वहाँ पर तो हमारी भी इच्छा थी कि भाई बिज़नेस में आए और उनकी भी इच्छा थी कि हम उनके साथ काम करें. तो टोरंटो में हमने 88 में जेमस्टोन का बिज़नेस शुरू किया और 88 से हम अभी लगातार पिछले 25 साल से जेमस्टोन बिज़नेस में ही हैं. मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम करती है यहाँ पर और हमारा लड़का भी साथ में काम करता है. वन ऑफ द रीजन्स वी वर कीन ऑन द बिज़नेस ऑफ जेमस्टोन की हम लोग ओरिजिनली राजस्थान से और हम चाहते थे भाई राजस्थान से कॉन्टैक्ट बना रहे. तो जयपुर में जेमस्टोन की कटिंग एंड पॉलिशिंग का काफ़ी बड़ा सेंटर है तो जेमस्टोन हमारे लिए बिल्कुल सही फिट रहा. इस जेमस्टोन बिज़नेस के बहाने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स अपने परिवार से छूट गए थे उस कॉन्टैक्ट्स वापस बन गए और जो एक यहाँ होम सिकनेस की जो प्रॉब्लम थी हम लोगों को वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई. और यहाँ बिज़नेस के साथ साथ में सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है हमारा. और इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज़ बीन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स विच हैज़ अलाउड अस टू मिक्स विद पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल एज विद मेन स्ट्रीम इन कैनेडा. उसके बाद में पिछले 4 साल से यहाँ राना जो राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका का फाउंडेशन बनी और पिछले 4 साल में उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है. उस राना के माध्यम से अपने जो राजस्थानी भाई जो यहाँ हम मिस कर रहे थे मिल नहीं रहे थे आपस में कोई जगह नहीं थी बैठ के बातचीत करने की गपशप लगाने की वो एक इच्छा भी यहाँ पूरी हो गई. वो भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बन गया और वो प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यहाँ काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म में माना जाता है. गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करती है. लोग इन जनरल जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो भी राना को काफ़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं. दे फील कि भाई दिस इज़ वन गुड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर कि जहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं चलती और द ऑब्जेक्टिव ऑफ राना इज़ प्योरली ए सोशल प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग एंड दैट हैज रियली प्रोवाइडेड ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चे लोग भी अपने राजस्थान के बारे में जानते हैं सीखते हैं कुछ नई चीज़ों का अनुभव होता है उनको. और लेडीज़ लोगों के लिए भी एक अच्छा माध्यम बन गया कि जो होम सिकनेस वाली बात थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. राना एक तरह से परिवार बन गया और परिवार में करीब 100-150 फैमिलीज हैं. उसमें 10-20-15-50 फैमिली जो भी जैसे कॉन्टैक्ट होते हैं कुछ काफ़ी क्लोज हो गए कुछ डिस्टेंट फ्रेंड्स बन गए. और शादी ब्याह में सोशल फंक्शंस में तो एक तरह से जो इंडिया का जो माहौल होता है वो राना के चक्कर में राना के माध्यम से वो सारा माहौल हम लोगों को मिल जाता है.